Hey guys, welcome back to the Movies Blaster. So guys, आज हम आपको हॉलीवुड की कुछ बेस्ट मूवीज के नाम बताएंगे जो आपको YouTube पर फ्रीली हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे मूवी है रैम्पेज। 2018 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1 की। इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उसमें से कुछ ऐसी चीजें अर्थ पर क्रैश हो जाती हैं जिसके आसपास जितने भी जानवर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड अपनी साइज से बड़े हो जाते हैं। और फिर हमारे इस मूवी का हीरो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। क्या ये उन्हें रोक पाता है या नहीं, आप देखें इस मूवी में। नंबर टू पे मूवी है द मैट्रिक्स पार्ट 4। 2021 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 5.7 की। इस मूवी की स्टोरी समझने के लिए इस मूवी के पिछले 3 पार्ट देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे मूवी है इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस। 2016 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 5.2 की। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है फ्यूचर से, जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान तैयार हो चुके हैं एलियन से मुकाबला करने के लिए। बट इसी दौरान एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप अर्थ पर आ जाती है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ऐसे में इंसान एलियन से किस तरह मुकाबला करते हैं, आप देखें इस मूवी। नंबर 4 पे मूवी है लॉस्ट बुलेट। 2020 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.3 की, जिसके अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं और ये दोनों ही पार्ट बहुत ही ज्यादा औसम है। और इस मूवी में जितने भी विजुअल्स और एक्शन सीन्स हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। इस मूवी की स्टोरी तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इस मूवी में एक्शन बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। नंबर 5 में मूवी है द शेप ऑफ वाटर। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो ना ही बोल पाती है ना ही सुन पाती है। वो लड़की एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर के अंदर काम करती है लाइक झाड़ू पोछा करने के लिए। लेकिन उसी लड़की की नजर पड़ती है एक ऐसे क्रिएचर के ऊपर जिसे अमेज़न के जंगलों से पकड़कर उसी रिसर्च सेंटर के अंदर बांध कर रखा होता है। और वो लड़की उसे आहिस्ता समझने लगती है और वो लड़की ये डिसाइड करती है कि उस क्रिएचर्स को किसी भी तरह से आजाद करने की। तो आखिर में ये लड़की उस क्रिएचर्स को आजाद कर पाती है नहीं, आप देखें इस मूवी में। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।